तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह वेदर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह सुबह देखें। अब सारा अंदर गंदा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम, आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स अभी मेरे ख्याल से बारिश आने वाली है, बहुत ही आउट क्लास का वेदर हो गया है। सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 9-10 बज गए, तो अभी ये लग रहा है कि जैसे रात हो गई है या शाम होने वाली है। तो बहुत ही आउट क्लास का वेदर हो गया है। अभी आपको मैं वेदर दिखाता हूँ और उसके बाद फिर बारिश होगी मेरे ख्याल से, वो भी देखें। सो फ्रेंड्स जो चीज़ आपको बताई थी बारिश वो शुरू हो गई, ये वालारी हो गया। ये देखो बारिश होने लगी। देखिए हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। ये देखिए गेट पे भी गाड़ी पे पड़ गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बारिश होना स्टार्ट हो गई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपस बना। अभी फ्रेंड्स ये जो गमले हैं इनको रख देते हैं इधर, क्योंकि बारिश जो होगी उसका पानी इनको लगता रहेगा। ये सारे गमले जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं बारिश में, तो इनको सबसे पहले उठा के इधर करते हैं। तो जी बारिश हो गई है तेज़, जल्दी से ये जो गमले हैं ना, ये वाले गमले मैं इधर रखूँगा, सॉरी ये वाले गमले सारे इधर रखूँगा। और नीचे घास को भी माशाल्लाह पानी, वो गाड़ी खड़ी हुई है, घास को भी पानी लगना शुरू हो गया। अब ये वाले जो हैं इनको हम लोग करते हैं इधर इधर, ताकि इनको ना ये बारिश का जो पानी है ये बहुत ही अच्छा होता है इन दरख्तों के लिए। तो सबसे पहले ये जो हैं गमले ये मैं इधर, फाइनली रख लिए सारे गमले, बारिश भी तेज़ होना शुरू हो गई है। अभी अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे क्योंकि इनको भी अच्छा लगता है पानी, बारिश का पानी के अंदर बहुत पावर होती है। तो ये अब खुश हो जाएंगे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। काफ़ी तेज़ हो गई है। कराची में फ्रेंड्स बहुत बुरा हाल होता है बारिश में, जब बारिश हो जाए तो पूरी उनकी जो रोड है पूरी पूरी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल पानी के अंदर डीप हो जाती हैं। ये हमारे लाहौर में ज़्यादातर ये इशू नहीं है, अल्लाह ताला उनके भी मुश्किलें आसान फरमाएँ, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, गाड़ियाँ डूब जाती है, घर के अंदर पानी आ जाता है, और जो घर है बिल्कुल ही मैट्रेस वगैरह जो होते हैं मैट्रेस भी गीले हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर ऐसा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी जो मुश्किलें वो आसान हो जाएँ, और उनके जो वहाँ पर पता नहीं क्या है सीवरेज वगैरह का काम क्यों नहीं करवाते, क्या मसला है क्या नहीं, इस चीज़ की समझ नहीं आती। होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आबाद हैं, तो ये काम तो खराब है, काफ़ी ज़्यादा जान नुकसान भी होता है, क्योंकि ये जो होते हैं खंभे वगैरह इसके साथ भी लोग लग के, यानी कि करंट जो होता है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बछड़े, और रिसेंटली वीडियो देखें बछड़े भी और इंसान भी
चिपक के मर जाते हैं। एक बाइक पे जा रहे थे, एक बंदा तो बचा लिया लेकिन दो जो है वो बिल्कुल ही करंट ने पकड़ लिया था, करंट छोड़ता नहीं है। ये चीज़ का काम लाजमी उधर होना चाहिए। तो बारिश काफ़ी तेज़ होगी आप ये देख, माशाल्लाह हैवी बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। लेकिन मैं नहाना नहीं है क्योंकि नहाने से ये होगा कि फ्लू हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। सो कैमरा ख़राब हो गया। सो देख सकते हैं आप माशाल्लाह, सामने भी ऐसे ही है। ये वाली विंडो से हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है, ये देखें। वाह, इसे ही होता है, विंडो भी एक दफ़ा साफ़ हो गई थी मोबाइल से, पहले साफ ही थी लेकिन ये देखें। मिरर पे जब भी पानी ऐसे गिरता है तो बहुत ही खूबसूरत व्यू हो जाता है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया आज तो, काफ़ी ज़्यादा हबस हुआ था तो अभी तो माशाल्लाह बहुत ही औसम हो गया। अब आपको दिखाता हूँ, मैं साथ स्टोर है वहाँ पे जाकर दिखाता हूँ कि उधर कैसा व्यू है। इधर से भी ऐसे ही है, रूम में सही नज़र आता है, इधर ना ऊपर शेड है अगर इसलिए इधर पानी नहीं होता। माशाल्लाह इधर भी देखे कितना अच्छा व्यू हो गया। ये घर मुझे बहुत प्यारा लगता है, आइडियल लुक है इसकी, कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह हाफिज़।